जान लीजिए। हाँ रे, क्या क्या करिएगा, क्या किया है, जानवर के बराए है। अच्छा तो हम अकेला है, बाबू छो भाई है, क्या सरकारी है अपने बोल। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है, ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ बिहार में जो भी विधायक हैं और मंत्री हैं वो लोग कह रहे हैं। सत्ता में बैठे सभी लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है और पूर्णतः शराबबंदी है, बिहार में कहीं शराब मिल नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहरीली शराब पीने से बिहार की जनता की मौत हो रही है। वहीं पक्ष ये बात कह रहा है कि जब बिहार में शराबबंदी है तो आप शराब पी क्यों रहे हैं। वहीं विपक्ष कह रहा है कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो शराब आ कहां से रहा है कि लोग शराब पी रहे हैं। इसमें साफ तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं। वहीं एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें एक शख्स है शराब पीकर नौटंकी कर रहा है सड़कों पर और अपनी परिवार वालों के साथ मारपीट कर रहा है। पहले उस वीडियो को देखिए किस तरह से वो शख्स जो है शराब पीकर सड़कों पर नौटंकी कर रहा है। सामने लीजिए। हाँ रे, क्या किया, क्या करिएगा, क्या किया है, जानवर के बराए है। अच्छा तो हम अकेला है, बाबू छो भाई है, क्या सरकारी है अपने गोल मेरा नाम लक्ष्मण चौहान है। लक्ष्मण चौहान मेरा गांव से नहीं पढ़ लीजिएगा तो छोड़ेंगे नहीं। कौन गांव है ये, अपना नाम नहीं बताइए। क्या कर रहा है इसे? कर रहे हैं जो उनको पूछिए ना, कहां कर रहे हैं, क्या शराब शराब पिया है? हाँ। कब से पी रहा है? भोर ही से, सूतिया उठ 6 बजे से। तो यहाँ मिलता है शराब? हाँ यहाँ मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रेखा देवी। बात उठाओ, तो देखा आपने किस तरह से शराब पीकर सड़कों पर नौटंकी कर रहा है ये शख्स और कह रहा है कि हम तो पियेंगे, हमको कौन रोक सकता है। ऐसे में ये बड़ा सवाल रहेगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो शराब आ कहां से रहा। बड़े बड़े खेप पकड़े जा रहे हैं लगातार बिहार में शराबों के, और उसी में से जो बच जा रहे हैं वो लोग पी रहे हैं। जो लोगों को नहीं मिल रहा है वो जहरीली शराब पी रहे हैं और अपना जान गंवा दे रहे हैं। बता दें कि बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। वहीं कुछ लोग अंधे हो गए हैं, कुछ लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी भी जान कभी भी जा सकती है। लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ा चैलेंज हो गया है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 16 तारीख को एक अहम बैठक होगी जिसमें सभी मंत्री और सभी विधायक और फिर प्रशासन अधिकारी सभी शामिल रहेंगे, और उसके बाद 16 तारीख को एक अहम फैसला लिया जाएगा ताकि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी को सफल बनाया जा सके। क्योंकि बिहार में शराबबंदी है लेकिन अब वो असफल दिख रहा है, हर जगह पर शराब आसानी से मिल जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।